नमस्कार मित्रांनो, कल रात नींद बराबर हुई नहीं थी और आज हम करने वाले हैं त्रिपुरा का क्रेजी एडवेंचर। जी हाँ, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं अगरतला को। अगरतला में हम देखेंगे अगरतला का फेमस पैलेस, उसके बाद में हम देखेंगे कृष्ण जी का टेंपल, उसके बाद में हम जाएंगे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, फिर हम विजिट करेंगे 14th गॉड टेंपल और उसके बाद में हम निकलेंगे वर्ल्ड फेमस रॉक कार्विंग इन उमागाटी। तो कैसे होगा ये एडवेंचर, देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। अगरतला के लिए यही रोड है, नए रास्ते हैं तो ये गूगल मैप पे अपडेटेड नहीं थे, इसीलिए मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा था। तो मैंने लोकल से पूछा ये रास्ता सही है, कंफर्म करने के बाद में मैंने आगे कंटिन्यू किया। यहाँ पे जो है तो छोटे छोटे विलेजेस थे, तो इसलिए नाश्ता करने के लिए मुझे कुछ होटल विटल मिल नहीं रहा था। फाइनली एक जगह पे मुझे ये छोटा सा होटल मिला जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गया। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock और हम रुके हैं एक विलेज में। विलेज का नाम क्या है? नेम ऑफ विलेज? And this Mohtarma helped me to thank you so much. Yeah, so we'll have food now. What's your name, sir? Thank you. Puri and rice. View देखो, window से मस्त लग रहा है यहाँ पे। बांबू का घर है। So food is tuli to. Kalao mein. Mangta. Thank you so much. I felt so good now. It's a safe journey. Yeah, thank you. अभी त्रिपुरा में पहुंचा हूं, लगभग एक घंटा हुआ है और अभी कुमार घाट बोल के एक जगह है, यहाँ पे जो है चेन का जो इशू फिक्स कर दिया है। कहाँ से आ रहा है? हाँ, अभी इधर मिजोरम से आया था। मिजोरम से? हाँ, अभी इधर जाना अगरतला। रोड ऐसे ही आगे अभी या खराब है? फिर से आगे थोड़ा खराब मिलेगा, फिर भी जा सकते हैं। चलो, थैंक यू सर। यहाँ से चालू हो गया हमारा एडवेंचर लाल मिट्टी के साथ। A few moments later. One, two, three. जय गुरु, थैंक यू। थैंक यू। आता पढ़लो कारण लक्ष नव्हतं मला तिकडे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई लगता है गाड़ी को आज आदत ही हो गई गिरने की। लग लो हाथ इधर थोड़ा। 1 2 3 कम ऑन। थैंक यू। एंड बेंड हो गया। आगे वाला टायर शायद ही हो गया। जाना पड़ेगा, इसे चढ़ेगा भी नहीं। हाँ क्या? हाँ सब जाम हो गया। फिर से जाम। एक काम कर, तेरा साइकिल मुझे दे दे, ये लेके जा तू। अरे ये ना यहाँ पे काफी देर रुकने के बाद में
पूरा फंस गया क्या उधर? जेसीपी ने जो फंसा हुआ था पिकअप छोटा हाथी उसको धक्का मार के निकाल दिया और फिर रास्ता आगे खुला हो गया। और ऐसा बहुत जगह पे ये सीन हो रहा था। हाँ महाराष्ट्र से ही आ रहे जी जी अकेले कर रहे हो? जी जी अकेले, और कोई नहीं साथ में? नहीं अकेला। बाय सर। A few moments later. महाराष्ट्र से 1, 2, 3। हाँ महाराष्ट्र से जी। यार चार बार गिरा आज बाइक। चार बार। हेलो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 5:45, लगभग 6 बज रहे हैं और मैं पहुंचा हूं फाइनली अगरतला में। रास्ता बहुत ही ख़राब था आज का, बट या फाइनली पहुंच गया हूं। जब से ये नॉर्थ ईस्ट का सफ़र चालू किया है आज ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच किया है, क्योंकि बाकी दिनों में बहुत ही रिलैक्स में ट्रैवल किया है। आज थोड़ा मतलब रास्ता भी ख़राब था और थोड़े प्रॉब्लम्स भी आए बीच में, तो इसीलिए। फिर यहाँ पे एक आर्मी पर्सन था, ऑफिसर, उन्होंने कॉफ़ी वगैरह पिलाया और फिर मैं चला गया गुरुद्वारा में रुकने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मॉर्निंग के 6:00 टाइम हो रहा है। मैं 1 घंटे पहले उठा था। अगरतला में जो गुरुद्वारा है वहाँ पे कल रात को मैं रुका था। सो गाइज चलो अभी रेडी होते फटाफट और आज का डे प्लान करते हैं। चलो अभी जाते हैं हम अगरतला घूमने के लिए। टूरिस्ट डेवलपमेंट सेंटर है त्रिपुरा का, यहाँ पे ये काम करते हैं। हेलो सर। नमस्ते। और इन्होंने अभी जो है यहाँ के जो प्लेसेस है, डेस्टिनेशन, उसके बारे में जो पॉम्पलेट्स है वो दिए है मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए, और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन बताया है। सो थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो हम आए थे पैलेस देखने के लिए। एक मंदिर है साइड में, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ का वाइब है ना कस मस्त लग रहा है, जैसे महाराष्ट्र जैसे लग रहा है, महाराष्ट्र मुंबई जैसे। अंदर मंदिर था कृष्ण जी का यहाँ पे देखने के लिए। और फिर हम निकले इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखने के लिए, बट वहाँ पे जाने के बाद में पता चला कि ये 4 बजे के बाद में पब्लिक के लिए विजिट करने के लिए ओपन होता है। फिर मैं वहाँ से आया 14 गॉड्स टेम्पल। चतुर्दश मंदिर भारत के त्रिपुरा में पुराने अगरतला के पास है। अभी हम आए हैं 14 गॉड्स टेम्पल, और इसमें त्रिपुरा में गांव की झोपड़ियों की छतों के पैटर्न पर त्रिपुरी गुबंद है। गुबंद के ऊपर एक स्तूप जैसी संरचना है जो बौद्ध प्रभाव के निशानी दिखाती है। यह मंदिर 14 देवताओं के सम्मान में बनाया गया था जिन्हें चतुर्दश देवता कहा जाता है। इसका निर्माण त्रिपुरा के राजा कृष्ण माणिक्य ने 1760 में किया था जब अगरतला राजधानी बनी थी। एक स्थानीय कहावत है कि जो एक बार त्रिपुरा के 14 देवी मंदिर के दर्शन करता है वह 14 बार अगरतला आता है। पवित्र 14 देवी मंदिर के पास हर साल जुलाई के महीने में
खारची उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में हम चलेंगे, एक प्लेस है जहाँ पे काफ़ी सारा रॉक में ना डिज़ाइंस किए हैं, वेरूर का लेनी है वैसे, तो देखते हैं वहाँ पे कितने बजे तक पहुँचेंगे। 4.5 घंटे लगते हैं जाने के लिए। अगर शाम के पहले पहुँचेंगे तो आपको दिखाऊंगा अच्छे से। सो लेट्स गो। रोड ख़राब होने की वजह से ना गाड़ी 4-5 बार गिरा था, तो एक बार है ना पूरा मिरर है ना टूट गया था। भवानी वेल्डिंग शॉप बोल के, तो वहाँ पे जो है पूरा वेल्डिंग करवा के आरसा जो है मिरर इसको पूरा ठीक से बिठा दिया है, मस्त एकदम। खाना खाने के लिए रुका हूँ एक जगह पे, एक साइड में विंडो है और पूरा जंगल का व्यू है इधर, और इधर जो है ये होटल है छोटा सा इनका। अमित खाना परोस रहे हमें आज, थैंक यू। हाँ वो यहाँ पे कुछ गिरा क्या सामान? ऐसे नहीं ना, लगभग मतलब 70 किलोमीटर में रिटर्न गए हैंड ग्लोव के चक्कर में। गाइस अभी रात के 11 बजे है और हम आए हैं, ये गांव का नाम क्या है सर? ये तो एक्चुअली अनुकुटी डिस्ट्रिक्ट अनुकुट कैलासर में आए हैं, और अभी भैया है इनके यहाँ पे अभी अरेंजमेंट हो रहा है, और अभी थोड़ा थोड़ा गाड़ी का पूरा हालत ख़राब हुआ है, अभी रेस्ट करेंगे यहाँ पे। गुड नाइट। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ना एक जगह पे रुका हूँ यहाँ पे कुमार घाट के आसपास, बाइक का जो हालत हुआ था परसों वैसे कल भी हालत हुआ है, अभी इसको पूरा साफ करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है कंकन अर्जुन। ऐसा ही होता रहता है। इंद्रा 20 मिनट के बाद में ये फाइनली घूम गया है टायर। चला ना ठीक है, चलेगा, धन्यवाद। चलो निकलते फिर, थैंक यू सो मच। जिंदगी चलना है, राइट, सफर करना है, सफर करते रहना है। ओके चलो, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय। ऊनाकोटी में बनी 99,99,999 मूर्तियों का रहस्य आज तक नहीं जान पाया कोई, कि निकटतम शहर कैलाश शहर के लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय जगह है जिनके सीने में छुपे राज को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। एक ऐसी ही जगह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे, जिसे ऊनाकोटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ कुल 99,99,999 प्रकार की मूर्तियाँ है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं ऊनाकोटी रॉक कार्विंग में। यहाँ पे जो है पूरे रॉक्स में ऐसे ये जो है पुराने ज़माने में एकदम ये किए है, ऐसे कार्विंग किया है, जो वेरूर अजंता की लेनी है महाराष्ट्र में वैसी यहाँ पे मतलब पूरा पत्थरों में कोर के ये पूरा मूर्तियाँ बनाई है। बहुत ही सुंदर जगह है और वाइब तो बहुत चिल लग रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, लेट्स गो। जिनके रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है,
जैसे कि ये मूर्तियाँ किसी ने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे ज़रूरी कि 1 करोड़ में एक ही कम क्यों। हालांकि इसके पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं जो हैरान करने वाली हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा है। बंगाली भाषा में ऊनाकोटी नाम का अर्थ करोड़ में एक कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। यहाँ पत्थरों पर उकेरे गई और पत्थरों को काटकर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। हमारा सफ़र हो और बारिश ना हो ऐसे होगा कभी? ये देखो बाहर मस्त बारिश हो रहा है, एकदम मस्त लग रहा है एकदम बारिश के बाद में। सो चलो नीचे चलते हैं अभी और एक ड्रोन शॉट लेते। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव के समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात को जाने की वजह से बाकी देवी देवताओं ने शिवजी से ऊनाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा। शिवजी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जग पाए, बाकी के सारे देवी देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर बना दिया। इस वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियाँ है, यानी 1 करोड़ से एक कम। 2022 में ऊनाकोटी को यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको लगभग 1 घंटा समय लगता है घूमने के लिए आराम से, अगर अच्छे से सब जगह देखोगे तो। सो अभी यहाँ से 10 आवर्स लगेंगे हमें। सो रात में शायद हम 10 आवर्स गूगल मैप से, सो हमें लगेगा लगभग और 12 घंटे समय। सो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं रात को। ये गेट से आपको एंट्री होता है यहाँ पे अंदर आने के लिए। आराम से। A few moments later. कहाँ गए? महाराष्ट्र। यार घूमने आए हो? जी, नॉर्थ ईस्ट। ये लास्ट में जाते समय बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, रास्ते तो बहुत खराब है सामने। और खराब है? हाँ, थोड़ा खराब है। थोड़ा सा बचा है ना? कितना रोड है सर? नीचे स्पाइक वाला जूता लगाओ तो। हाँ, वैसे करना पड़ेगा। कितना है ऐसा आगे? अच्छा अच्छा, थैंक यू। असम का बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है, मतलब आसाम में आ गए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा खाना खा के निकलेंगे गुवाहाटी के लिए आगे। पुलाव है, मस्त टेस्टी है। काफ़ी लंबा सफ़र है बट मज़ा आ रहा है। लेट्स गो। थोड़ा बीच में परेशानी हुई बट अभी रोड अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है। ऊनाकोटी के बाद में जो रास्ता था उसने बहुत परेशान कर दिया। गाड़ी की हालत देखो कैसे हुई। एक कोर्स का एग्ज़ाम वगैरह मैंने कंप्लीट किया और शाम का सनसेट हो रहा था तो मैंने सोचा एक ड्रोन शॉट लेते हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। फिर ये ड्रोन शॉट लेके मैंने आगे का जर्नी कंटिन्यू किया। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं ना एक पेट्रोल पंप पे रुका था यहाँ पे। अभी नींद आ रहा था इसीलिए अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। शायद गुवाहाटी में पता नहीं कितने बजे पहुँचूँगा बट बहुत समय लग रहा है। रोड बहुत ख़राब था। कंटिन्यूस मॉर्निंग से राइड कर रहा हूँ मैं 11:30 बजे से। हाँ चलो जाते हैं। शिलोंग के बाद में कुछ राइडर्स लोग मिले तो उनमें से कुछ लोग डबल शिट थे तो एक बंदे ने मेरा गाड़ी लिया और मैं पीछे बैठ के थोड़ी देर आराम किया और फिर हमने आगे का जर्नी कंटिन्यू किया। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि शिलोंग मेघालय एक्सप्लोर नहीं किया तो उसके लिए मैंने पूरा अलग से सीरीज बनाया है। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है
3 o'clock बहुत नींद आ रही थी। एक बार तो डिवाइडर के पास में गए, अभी कहाँ पे रुके हम पता नहीं। प्लीज़ डू चेक इट इन टू माई चैनल, मेघालय का सीरीज पूरा 7-8 वीडियोज है, सो प्लीज़ देखना। और बाकी वीडियोज़ कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एडवेंचर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।